हरी धनिया की टेस्टी और यम्मी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम मिक्सर का जार। ये छोटा वाला जार है, इसमें लेंगे हम साफ़ धुली हुई धनिया, ये हरी धनिया है, और इसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा नमक और हरी मिर्च। इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारी हरी धनिया की चटनी तैयार हो गई है और उसके बाद हम बनाएंगे आलू का रायता। तो आलू का रायता बनाने के लिए यहाँ पर फ्रेश दही लिया, इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यदि आप लाल मिर्च पाउडर नहीं लेते हैं तो इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके साथ हम लेंगे इसमें फलाहारी नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें लेंगे बॉईल किए हुए आलू, जिसको छोटे पीस में काट लेंगे और इसको इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे। आपका फलाहारी पोटैटो रायता तैयार हो गया है। इसे आप अपने मेन डिश के साथ में इंजॉय कीजिए और फलाहार में लीजिए।